Good morning, students and parents. Hope you all are well. Today, our topic is road ways. 1. It is in your book 6, page number 11. Okay, here we will see ke raston ke upar kaun se vehicles chalte hain. Okay, students. Now, in next slide, here there is a vehicle. Isse kya kehte hain? Two wheelers. TWO, WH. WELERS wheelers. यहाँ पे ये जो व्हीकल है उसमें कितने व्हील्स है? टू व्हील्स है. Here there is a image of bicycle. BICYCLE bicycle. Okay. One person can sit on a bicycle. It does not use fuel. यहाँ पे क्या पता है कि एक person इसके ऊपर बैठ सकते हैं और इसमें जो फ्यूल यानी कि ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ स्कूटर. SCOOTER स्कूटर. टू पीपल कैन सिट ऑन अ स्कूटर. यहाँ पे ये जो स्कूटर है उसमें हम स्कूटर के ऊपर दो लोग बैठ सकते हैं और इसके अंदर ईंधन का इस्तेमाल होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ in next slide here there is the image of motorcycle. MOTORCYCLE motorcycle. Two people can sit on a motorcycle. दो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ सकते हैं और इसके अंदर भी ईंधन का इस्तेमाल होता है. Okay, now in next slide here there is the image. यहाँ पे जो व्हीकल्स दिखाए वो थ्री व्हीलर्स है या फोर व्हीलर्स है. ओके, THREANDFOUR4WHELERS व्हीलर्स. ओके, थ्री एंड फोर व्हीलर्स. इन दिस हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ ऑटो रिक्शो. AUTORICKSHAW ऑटो रिक्शो. थ्री पैसेंजर्स कैन सिट इन एन ऑटो रिक्शो. यहाँ पे जो ऑटो रिक्शो हमें दिखाया गया है, नॉर्मली थ्री पैसेंजर्स कंफर्टेबली ऑटो रिक्शो में बैठ सकते हैं. ओके, और जो ड्राइव करता है वो आगे बैठते हैं, उनको ड्राइवर कहते हैं और इसमें भी ईंधन का इस्तेमाल होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ in next slide here there is a image of car. CAR car. 5 to 7 people can sit in a car. Car ke andar 5 se 7 log baith sakte hain. Okay, and it also used fuel. Uske andar bhi ईंधन का इस्तेमाल होता है. Now in next slide here there is a image of taxi. TAXI taxi. Usko kya kehte hain? कैब भी कहते हैं. CAB कैब. फोर पैसेंजर्स कैन सिट इन अ टैक्सी और कैब. यहाँ पे हमें जो टैक्सी जो होती है वो पैसेंजर्स को कैरी करती है फर्स्ट थिंग, और उसमें जो फोर पैसेंजर्स हैं वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. ओके, थ्री पीछे और एक ड्राइवर के बाजू में. ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर भी ईंधन का इस्तेमाल होता है. Okay students, now in next slide here we will see roadways 2. It is in your book 6, page number 14. Okay, यहाँ पे भी हम roadways ही देख रहे जो रास्ते पे चलने वाले vehicles हैं. Now in next slide here there is an image of van. VAN van. यहाँ पे ये जो van दिखाया है that carries 10 to 15 people can sit in a van. यहाँ पे ये जो वैन दिखा है वो बड़ा वाला वैन है और उसके अंदर 10 से 15 लोग आराम से बैठ सकते हैं. And it also run with the help of fuel. Okay? इसमें ईंधन का इस्तेमाल होता है. Now in next slide here there is an image of bus. BUS bus. More than 20 people can sit in a bus. यहाँ पे ये जो बस है उसमें 20 से ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं, ऐसा ये बस हमें दिखाया है. ओके,
and it also run on road or it also take fuel. Fuel के बिना ये ईंधन के बिना ये vehicles नहीं चलते हैं. Okay students. Now in next slide here there is the image of truck. T-R-U-C-K truck. It is used to transport goods and materials. Okay. ये जो truck है उसका इस्तेमाल हमें ट्रांसपोर्ट मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी सामान और चीजों को पहुंचाने के लिए किया जाता है. ओके, ये ट्रक से और इसमें भी ईंधन का इस्तेमाल होता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ टैंकर. TANKER टैंकर. इट कैरीज लिक्विड्स लाइक वाटर. ये एक टैंकर जो है उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे पानी एक लिक्विड है, मिल्क एक लिक्विड है, वैसे लिक्विड को एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में पहुंचाने के लिए ऐसे जो टैंकर होते हैं उनका इस्तेमाल होता है. ओके, और ये जो व्हीकल है वो भी फ्यूल से चलते हैं. ओके, और इट आल्सो रन्स ऑन रोड. ओके, नाउ एंड नेक्स्ट स्लाइड. Here there is an image of road roller. R-O-A-D-R-O-L-L-E-R roller. Road roller. It is used to flatten roads when they are being made. ये जो road roller है उसका इस्तेमाल कब होता है? जब भी नए रास्ते बनते हैं तब जो road की जो सतह होती है उसको एकदम फ्लैट यानी कि पतला और अच्छे से करा जाता है, स्मूथ बनाया जाता है फ्लैट दबा के. ये बहुत ही हैवी होता है ये रोड रोलर, जिससे क्या होता है छोटे छोटे बड़े पेबल्स जो होते हैं, बड़े जो ग्रेवल्स होती है वो छोटी बारीक होके रोड स्मूथ बन जाता है और एकदम फ्लैट बन जाता है, जिससे हमारे व्हीकल स्मूथली रोड पे चल पाए. उबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर हमारे व्हीकल्स स्पीड से नहीं चला पाते हैं हम. ओके, उससे हमारे व्हीकल्स डैमेज होते हैं. इसीलिए ये जो रोड रोलर है इसका इस्तेमाल कब होता है? जब रास्ते नए बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज द इमेज ऑफ गार्बेज ट्रक. GARBAGE गार्बेज. TRUCK ट्रक. ये गार्बेज ट्रक है. इट टेक्स गार्बेज टू द डंपिंग साइट. ये जो गार्बेज ट्रक है वो हमारे यहाँ पे घरों में आके या हमारे स्ट्रीट में आके जहाँ पे हमने सब गार्बेज डाला हुआ है वहां से वो लोग कलेक्ट करते हैं और इसको हमारे सिटी से दूर लेके दूसरी जगह पे डालते हैं और वहां पे उसका प्रोसेस चलता है. ओके, तो ये जो गार्बेज ट्रक है वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज एन एक्टिविटी इन योर बुक 6 पेज नंबर 12 व्हीकल्स एंड रोड सेफ्टी. हियर वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. Spot the things missing on the second picture and circle them in the first one. यहाँ पे जो इमेज है, ओके, वहाँ पे क्या करना है? आपको डिफरेंस ढूंढना है और जो फर्स्ट वन जो पिक्चर है उसमें सर्कल करना है. ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो इमेज है उसमें क्या है? उसमें एक चाइल्ड है, उसके साथ उसके एल्डर है. वो पर्सन सेकंड इमेज में नहीं है, तो जो फर्स्ट इमेज में जो पर्सन है उसको आपको सर्कल करना है. उसके बाद वो लोग किसके ऊपर चढ़ रहे हैं? वो लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं और वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग सेकंड इमेज में नहीं है, तो आपको उसको सर्कल करना है. उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स का जो पोल है उसके अंदर कलर्स के जो राउंड सर्कल्स है वो नहीं है, रेड येलो ग्रीन नहीं है, तो वहां पे आपको सर्कल करना है. और सामने के साइड पे ट्रैफिक सिग्नल का पोल ही नहीं है, तो वो पोल को आपको सर्कल करना है. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ वन कार जो रेड कलर की दिखाई है वो दूसरे वाले पिक्चर्स में मिसिंग है ही नहीं, तो जो रेड कलर की कार जो फर्स्ट इमेज में दिखाई है वहां पे आपको सर्कल करना है.
Okay, students, so in this way you can complete this activity. Now, in next slide, here there is one activity in page numbers 15 in your book 6. Circle the things that are commonly seen in a car, bus and taxi. Okay, यहाँ पे ये जो vehicles है, जो रास्ते पे चलते हैं, कार चलती है, बस चलती है और टैक्सी चलती है, उसमें कॉमन चीजें जो है वो कौन सी है? एक तो जो ये मिरर्स है वो हर एक में होते हैं. ओके, तो वी हैव टू सर्कल दैट. आफ्टर दैट देयर विल बी अ स्टीयरिंग, जिससे वो ड्राइव करते हैं, वो इन सभी में होता है. सो वी हैव टू सर्कल इट. आफ्टर दैट देयर इज अ फैन. यहाँ पे एक फैन दिखा है, वो इस व्हीकल में इनसाइड होता है, अंदर की साइड पे होता है, जो आपको वैसे नहीं दिखाई देता है, मगर ये होता है. कार, बस और टैक्सी में ऐसे फैन होते हैं अंदर की तरफ. After that, there is an image of a light. Light हर एक में होती है, तो we have to circle it. After that, there is a number plate. कि ये कौन से नंबर का व्हीकल है, तो ये चीज सभी में होती है, so you have to circle this. After that, there is a tire. ये जो टायर दिखा है वो भी सभी में होता है, we have to circle that. After that, there is a pipe which is used by the firefighter. ये firefighters जब होते हैं, फायर इंजन वाले, उनके पास ऐसा पाइप होता है जो आग बुझाने के लिए यूज होता है. ये कार, बस और टैक्सी में नहीं होता है. ओके, आफ्टर दैट, जस्ट टू होल्ड जो हैवी लोड्स को लिफ्ट करना होता है, ये पॉइंट दिखाया आपको. ओके, हैवी लोड को लिफ्ट करने वाला हुक दिखाया, वो इसमें नहीं होता है, तो इन दोनों का आपको सर्कल नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, here there is a activity in your page number 26 in your book 6. Okay, put a tick in the box on the things that you see at a railway station. Railway station ke par aapko kaun si cheeze dikhai deti hai? First is stall, jiske upar khane peene ka saman railway station pe hota hai, so we have to put a tick. After that, there will be a slide. यहाँ पे आपको जो स्लाइड है वो रेलवे स्टेशन पे नहीं होती है, सो वी हैव टू क्रॉस, पुट अ क्रॉस. आफ्टर दैट देयर विल बी अ ट्रैक, ट्रैक होता है, वी हैव टू पुट अ ट्रैक. आफ्टर दैट देयर विल बी अ ट्रेन, वी हैव टू पुट अ ट्रैक. आफ्टर दैट देयर विल बी अ साइन बोर्ड, जिसमें ट्रेन का नंबर, टाइम और ट्रेन का जो डिस्प्ले होता है, ओके, तो वो रेलवे स्टेशन पे होते हैं ऐसे साइन बोर्ड्स, सो वी हैव टू पुट अ ट्रिक. आफ्टर दैट देयर इज अ सीसो, वहां पे नहीं होता है, वी हैव टू पुट अ क्रॉस. आफ्टर दैट देयर विल बी अ टिकट विंडो, ओके, वो होता है ट्रेन में. ओके, आफ्टर दैट देयर विल बी अ साइन बोर्ड ऑफ बस स्टॉप, वो वहां पे नहीं होता है, सो वी हैव टू पुट अ क्रॉस. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ इंजिन्स, जो रेलवे स्टेशन में होते हैं, so here we have to put a tick. In this way, students, you can complete this activity. Now, thank you, students and parents. Stay safe at home.